एक्सपेंसिव कोचिंग में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे तो आप शर्तिया अपना प्री भी क्लियर करेंगे, मेंस में भी बहुत अच्छा लिख के आएंगे और इंटरव्यू स्टेज को फेस करेंगे। 5-5 लाख रुपए आप वहाँ साल के रहने के लगाएं, 2-2 लाख रुपए आप कोचिंग के लगाएं, तो ये 6-7 लाख रुपए दे के तो ऐसे गरीब का बच्चा तो फिर आईएएस की तैयारी कर ही नहीं सकता। 110 के आसपास मार्क्स थे टॉपर के, तो मेरा टारगेट भी वही था कि 110 120 कुछ आ जाए मेरे जीएस पेपर फोर्थ में, लेकिन मेरे फाइनली 90 मार्क्स आए थे। अगर हमारा लक्ष्य आईएएस की टॉप रैंक लाना है तो फिर वो किसी कोचिंग के नोट्स से पॉसिबल नहीं है। आप जिस दिन प्री की तैयारी स्टार्ट करते हैं उसी दिन से आपको इंटरव्यू की तैयारी भी आपकी शुरू हो जाती है, उसी दिन से मेंस की तैयारी भी आपकी शुरू हो जाती है। वीडियोस देखें, पहले बुक्स को पढ़ें, खुद के नोट्स बनाएं, उसी के बेसिस पे आप आईएएस आईपीएस बन जाएंगे। 2-2 लाख रुपए देके जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में बच्चे जाते हैं, अगर सोचें कि भाई उसी से आईएएस आईपीएस बन जाएंगे, वो कोई ज़रूरी नहीं है। वहाँ पे मंझे हुए लोग बैठे होते हैं तो वो अच्छी तरह से समझते हैं कि आप अंदर से क्या हैं और क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आप मॉक इंटरव्यू में सीख के आए हैं। तो ये पूरी कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रैटेजी है टू क्लियर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। क्वेश्चंस कुछ इस तरह के आए थे कि आप एक ईमानदार ऑफिसर हैं और एक गैंग है, उसने आपकी इमेज को ख़राब करने के लिए एक महिला को तैयार कर लिया है इस बात के लिए कि वो आप पे झूठा नाम लगा दे कि आपने उसके ऊपर असॉल्ट किया है, तो यहाँ पे आपकी अप्रोच क्या हो। कर्मयोगी वही व्यक्ति होता है जो इस भावना से कर्म करता है कि उसका सिर्फ कर्म पे अधिकार है और वह जो भी कर्म करे वो भगवान को साक्षी मान के करे और उसको श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दे। उसके बाद जो भी उस कर्म का फल होगा वो भगवान के हाथों में है कि वो किसको देंगे। और वैसे भी जीवन में कुछ निश्चित नहीं होता है, हम सिर्फ प्रयास कर सकते हैं। होना क्या है ये भविष्य के गर्भ में है और ये भगवान के हाथ में है, लेकिन मिलता उसी को है जो कर्म करता है। आप जब इंटरव्यू देने जाते हैं तो वो जो आपके जीवन के बचपन से लेकर आज तक के अनुभव हैं, जिस तरह के लिटरेचर को आपने पढ़ा है, जिस तरह की संगति में आप रहे हैं, जिस तरह के परिवार से आप आए हैं, तो वो सब निर्माण करता है आपके व्यक्तित्व का, वो सब निर्माण करता है आपकी विचारधारा का, आपके विचारों का, और उसी के आधार पे आप जीवन के प्रति आपका जो रुख होता है वो तय होता है। जो आपकी असलियत है क्या उसको कोई परिवर्तित कर सकता है, क्या उसको कोई बदल सकता है, या आप क्या रातों रात महीने भर में उसको बदल सकते हैं? सरकारी नौकरी में बैठे हुए किसी भी बड़े पद पे बैठे हुए अधिकारी को कभी भी ऐसी समस्या से दो चार होना पड़ सकता है प्री में, क्योंकि उसमें से कुछ आता नहीं है। इसलिए ये एथिक्स इंटेग्रिटी एप्टीट्यूड जो है इसको ना प्री क्लियर होने के बाद हम तैयार कर सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सारे दिन आप YouTube पे ही बैठे रहें, सारे दिन TV पे ही बैठे रहें। आपको एक शेड्यूल बनाना होगा, 12 से 14 घंटे रोज पढ़ना है आपको, और उसमें ये है कि भी 2 घंटे न्यूज़पेपर को दे दिए, 1-2 घंटे टीवी और यूट्यूब को दे दिए, और उसके बाद 8 घंटे आप पढ़ाई कर रहे हैं। देखिए 8 + 4 = 12 घंटे हो गए। सुबह मेरा RAS 2016 का प्री का रिजल्ट आया जिसमें मैं क्लियर हो गया था, और शाम को मेरा IAS 2016 का रिजल्ट आया प्री का, जिसमें मेरे अटेम्प्ट्स खत्म हो गए थे, मेरा जो जर्नी था उस पर एक पूर्ण विराम लग गया था। जय हिंद साथियों। अभी 2 दिन पहले मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक बच्ची का फोन आया। नीलम ने मुझसे कहा कि सर मैंने यूनिवर्सिटी से मुखर्जी नगर गई दिल्ली के, और वहाँ पे मुझे UPSC के बारे में पता चला और मैं UPSC की तैयारी करना चाहती हूँ, तो आप मुझे बताइए कि मैं कैसे शुरू करूँ। ये छोटा सा सेशन इस बात के ऊपर है कि जो नए बच्चे आ रहे हैं IAS की तैयारी करने के लिए, वो शुरुआत कैसे करें, कौन कौन सी बुक्स को रेफर करें, तो आइए शुरू करते हैं। UPSC सिविल सर्विसेज की जो परीक्षा है वो 3 चरणों में होती है, जो कि है प्री, मेंस और इंटरव्यू। प्री इज ओपन टू एवरीवन। 8 लाख के आसपास बच्चे इसे भरते हैं हर साल, 4-5 लाख के आसपास बच्चे इसमें बैठते हैं। जितनी पोस्ट्स नोटिफाई होती हैं UPSC परीक्षा के लिए, उसके 12 से 15 गुना बच्चों को मेंस में लिखने का अवसर, मेंस में बैठने का अवसर मिलता है। जितनी पोस्ट हैं उसके 2.5 गुना बच्चों को अब तक इंटरव्यू में बुलाया जाता रहा है, लेकिन अब ट्रेंड कुछ ऐसी बन रही है कि इससे भी कम बच्चों को अब इसमें बुलाया जाया करेगा। इस पे कमेंट करना थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाएगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि शायद ये उन बच्चों के लिए ठीक रहेगा जो कि अपने करियर को लेकर सीरियस हैं, जिनको IAS IPS बनना ही बनना है, तो ये उनके लिए सही रहेगा। क्योंकि अगर कम बच्चे इंटरव्यू में जाएंगे तो उन बच्चों की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहेगी सिलेक्शन की, और अगर ज़्यादा बच्चे होंगे तो उम्मीद रहेगी ज़्यादा बच्चों को, और सिलेक्शन होगा उनमें से सिर्फ 1000 का, और 1500 जो हैं उन्हें निराशा का सामना करना पड़ेगा। अगर समय रहते उनको पता चल जाए कि वो इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, तो वो अपने अगले अटेम्प्ट की तैयारी शुरू कर सकते हैं। अब देखते हैं कि प्री, मेंस और इंटरव्यू में हमें पढ़ना क्या होता है। देखिए दोस्तों, प्री, मेंस और इंटरव्यू, इनकी कोई अलग अलग तैयारी नहीं होती है। बस होता क्या है कि जो प्री का पेपर होता है वो MCQ फॉर्म में होता है, यानी कि ऑब्जेक्टिव होता है, 4 में से 1 ऑप्शन आपको चूज़ करना होता है। मेंस की परीक्षा सब्जेक्टिव होती है, उसमें SA टाइप आंसर्स आपको लिखने होते हैं। इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कार,
ये जो चरण है ये एक माध्यम है जिससे यूपीएससी ये नापती है, ये देखती है कि जिसको वो आईएएस आईपीएस के लिए रिकमेंड करने जा रहे हैं सरकार को, वो उसके लिए कितना योग्य है। तो ये देखने के लिए, यानी कि जो व्यक्तित्व की विशेषताएं होती हैं उनको देखने के लिए साक्षात्कार को रखा गया है। प्री में देखा गया कि हर साल अलग अलग कट ऑफ जाती हैं, तो ये बताना मुश्किल है कि कितनी कट ऑफ सेफ रहेगी, क्या है। मैं तो बस ये कहूँगा कि हम अपना बेस्ट अटेम्प्ट दे सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि प्री के लिए क्या स्टडी मटेरियल होना चाहिए। जीएस और सीसैट, ये दो पेपर्स होते हैं जिसमें 80 और 100 क्वेश्चंस आते हैं। दिस इज जस्ट क्वालिफाइंग, यानी इसमें आपको 33% मार्क्स लाने हैं। नेगेटिव मार्किंग के बाद आपके 28 क्वेश्चंस अगर सही हो जाते हैं तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। अब जो ये जीएस है ये मेन है। प्री के लेवल पे जो जीएस का पेपर होता है इसमें 100 क्वेश्चंस आते हैं और इसमें आपको अपने स्कोर को मैक्सिमाइज करना होता है। अब इसके लिए हमारी स्ट्रेटजी क्या हो, इस पर मैं फिर कभी सेशन लूँगा। आज का जो सेशन है वो ये है कि हम इसके लिए क्या हमारा स्टडी मटेरियल हो। प्री लेवल पे जो जीएस का पेपर होता है उसमें मेन सब्जेक्ट्स, उसके जो मेन सब्जेक्ट्स हैं वो हैं पॉलिटी, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर्स। जनरली इन्हीं सब सेक्शंस में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अब यहाँ पे क्या है कि हमें 100 में से 100 मार्क्स तो लेके आने नहीं है, 100 में से आपके 60 क्वेश्चंस भी नेट सही हो जाते हैं नेगेटिव के बाद, तो आप रेस में हैं। वैसे कोशिश ये रहनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही हो, 80 क्वेश्चन सही हो, 70 क्वेश्चन सही हो, उतना रहना चाहिए। अभी यहाँ पे हम बात करते हैं कि प्री के लिए पढ़ना क्या है। अब पॉलिटी के लिए तो एक ही किताब है जो कि बाइबल है यूपीएससी एस्पिरेंट्स की, और वो है एम लक्ष्मीकांत। अब हिस्ट्री, यहाँ पे एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न, तीन पार्ट्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं, वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। आईपीएस राजीव वहीर ने किताब लिखी है जो कि स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन द्वारा पब्लिश होती है, तो आप उसको मॉडर्न हिस्ट्री के लिए पढ़ सकते हैं। वो बहुत अच्छी किताब है और बहुत सिस्टमेटिक वे में मॉडर्न हिस्ट्री को उसमें समझा रखा है, स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस को। अगर हम ऑर्डर देखें तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में से, उसके बाद एंशियंट हिस्ट्री में से, और इक्के दुक्के क्वेश्चन मेडिवल हिस्ट्री में से आते हैं और कल्चर में से आ जाते हैं। तो अब यहाँ पर हमें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस देखना होता है कि हम कितना एफर्ट लगाएंगे तो कितना हमें आउटकम मिलेगा। तो उस हिसाब से कल्चर और मेडिवल हिस्ट्री इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ तो आपको यही करना है, लेकिन अगर आपको टाइम अलाउ करता है तो इसके लिए भी आप अच्छी सोर्सेज पता लगा के आप कर सकते हैं। मैं आपको फिर कभी बता दूंगा कि इसके लिए अच्छी सोर्सेज क्या हैं, लेकिन अभी मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि हमें प्री को क्लियर करना है तो उसके लिए हमें मिनिमम कौन कौन सी बुक्स हैं जो बेयर मिनिमम है जो कि हमें पढ़नी है और हम पेपर निकाल लें जिसके थ्रू। तो आपको मेडिवल हिस्ट्री आप छोड़ सकते हैं, कल्चर आप छोड़ सकते हैं। एंशियंट हिस्ट्री के लिए आप क्या करें, मंथली मैगजीन्स आती हैं, ये एंशियंट हिस्ट्री की कंपाइलेशन देती हैं, तो आप वहाँ से एंशियंट हिस्ट्री को कर सकते हैं। और अगर आपके पास समय है तो 11th की जो एनसीईआरटी है एंशियंट हिस्ट्री की, आप वो भी पढ़ सकते हैं। ज्योग्राफी के लिए बेस्ट है 11th 12th की एनसीईआरटी, तो 11th और 12th की 2+2 चार एनसीईआरटीज हैं, वो आप पढ़ लीजिए। और इसके बाद अगर समय मिलता है तो जीसी लियोंग पढ़ लें। इकॉनमी के लिए शायद मुझे भी बताने की ज़रूरत नहीं है, हमारे यूथ आइकॉन है मृणाल पटेल, तो आप उनके वीडियोस देखें जो कि फ्रीली अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, और मृणाल सर के जो नोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो वो नोट्स और वीडियोस वो काफ़ी हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएंगे, आप उनको पढ़ लें, दैट विल टेक केयर ऑफ़ योर इकॉनमी। प्लस उसके साथ आपको 11th की एनसीईआरटी जो है इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वो भी पढ़नी है। एनवायरनमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है शंकर आईएएस के नोट्स। इसमें इकोनॉमी में आपको हर साल जो इकोनॉमिक सर्वे आता है बजट से पहले वो भी आपको पढ़ना है, तो उसमें ऐसे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा प्री के लिए भी और मेंस के लिए भी। अब बात होती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहाँ से करें। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए सीधी सी बात है कि आप डेली न्यूज़पेपर को पढ़ें, या तो हिंदू पढ़ लें या फिर इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लें। हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस आप पढ़ेंगे, उसमें जो वीकली साइंस के ऊपर आर्टिकल्स आते हैं, साइंस का जो सेक्शन होता है उस पर आप नज़र बनाए रखें, यू कीप टैब्स ऑन दैट, दैट विल टेक केयर ऑफ योर साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रिपरेशन फॉर यूपीएससी। उसके आप नोट्स बनाते रहें। यही चीज़ लागू होती है करंट अफेयर्स के ऊपर, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी और करंट अफेयर्स ये दोनों ही आप न्यूज़पेपर से करें, और न्यूज़पेपर मैंने आपको बता दिया या तो हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस, इसको आप रेगुलरली पढ़िए और अपने खुद के नोट्स तैयार करें। किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स पर निर्भर मत रहिए, क्योंकि वो आपको फाइनली सक्सेस नहीं दिला पाएंगे। 2013 से लेकर 16 के दौर की बात कर रहा हूँ मैं, तो हमारे समय में एक इंस्टीट्यूट था, एक बहुत फेमस इंस्टीट्यूट है राजेंद्र नगर का, उस इंस्टीट्यूट के नोट्स को पढ़ के लोग प्री निकाल लेते थे, उसी के
नोट्स को पढ़ के लोग मेंस निकाल लेते थे, तो हमें उस तरह की चीज़ नहीं करनी है। हमें अपनी तैयारी होलिस्टिक रखनी है, और तैयारी अगर हमारी फर्स्ट रैंक के लिए है तो वो किसी कोचिंग के नोट्स से नहीं होगा। अगर हमारा लक्ष्य IAS की टॉप रैंक लाना है तो फिर वो किसी कोचिंग के नोट्स से पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आपको खुद मेहनत करनी होगी, रेगुलरली 2 साल न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा, और न्यूज़पेपर के साथ साथ आपको अपने नोट्स बनाने होंगे। तो डेली की आप समझिए कि 10 से 12 घंटे की आपकी सेटिंग होनी चाहिए, इंक्लूडिंग न्यूज़पेपर। प्री के लिए आपको ये सब पढ़ना है। अब यहाँ पे क्या है कि आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है और उसके नोट्स बनाने हैं सेक्शन वाइज। मतलब आप देखिए कि पॉलिटी, इसमें कोई नया लॉ आता है या कोई भी नई डेवलपमेंट होती है हमारे सिस्टम में, हमारी गवर्नमेंट के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा, तो उसको आप नोट्स बना लें और पॉलिटी सेक्शन में उसे रखें। कल्चर में ये हो सकता है कि मान लीजिए कोई नई खुदाई हुई है और उसमें नई एक्सकेवेशन हुई है और कुछ नया, हमें कोई नई सभ्यता के बारे में पता चला है, या कुछ भी नया कोई वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, कुछ ऐसा कोई नया तमगा मिलता है, तो उस तरह की जो चीज़ें हैं वो आप कल्चर में और हिस्ट्री में उसके नोट्स बना सकते हैं। ज्योग्राफी में भी यही है, कोई नई डेवलपमेंट होती है तो ज़रूर उसके आप नोट्स बना के रखिए। वो आपको ना केवल प्री में हेल्प करेगा, वो मेंस में भी हेल्प करेगा। और इकोनॉमी का भी यही है कि इकोनॉमी में तो आप बस सीधी सी बात है इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। प्लस कोई भी नई डेवलपमेंट होती है तो यू कीप अ ट्रैक ऑफ दैट। एनवायरनमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी सेम, नो डाउट आपको शंकर आई है इसमें सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन वो तो एक छपे हुए नोट्स हैं। उसके अलावा जो नई डेवलपमेंट हो रही है जो नोट्स में नहीं होंगी, तो वो अगर न्यूज़पेपर में कुछ भी आपको रेलेवेंट लगता है तो आप अलग से एक सेक्शन बना के रखें अपने नोट्स में, और वहाँ पे आप उसके नोट अपडेट करते रहें समय समय पे। करंट अफेयर्स में भी यही होता है, इश्यूज, टॉपिक्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, ये जो होते हैं इनके भी आप नोट्स बना के रखें। जो भी आपको लगता है, जो भी नई कमेटी बनी है, या फिर मतलब पास्ट ईयर पेपर्स आप देखेंगे तो उससे आपको पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो वो सब आपको नोट्स की फॉर्म में अपना तैयार करके रखना है। तो साइंस एंड टेक और करंट अफेयर्स भी इस तरह से हो जाएंगे। तो ये वो तरीका है, ये वो सब स्टडी मटेरियल है और तरीका है जिसको आप अगर फॉलो करते हैं तो मैं समझता हूँ कि 2 साल की तैयारी आपकी मदद करेगी। 2 साल की तैयारी ये सुनिश्चित करेगी, वैसे सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है, परमात्मा के हाथ में है, लेकिन वो ये सुनिश्चित करेगी कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी और आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हाई रहेंगे प्री क्लियर करने के पहली स्टेज। तो मेंस में हमारे 4 पेपर्स होते हैं, GS के 1, 2, 3 एंड 4, प्लस ऐसे होता है, फिर उसके बाद एक ऑप्शनल होता है, और हिंदी और इंग्लिश होते हैं जो कि क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं। इनके जो मार्क्स हैं ये आपके ओवरऑल स्कोर में नहीं जुड़ते, बस आपको इनमें पास होना होता है। तो इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जब मेंस लिखें तो उससे 2-3 दिन पहले आप पास्ट ईयर क्वेश्चंस देख लें और उसके हिसाब से आप तैयारी कर लें, आप इसे क्लियर कर जाएंगे। हालांकि ऐसे बहुत से बच्चे होते हैं जो CSAT में रह जाते हैं, CSAT के कारण वो क्वालिफाई नहीं कर पाते प्री को। सागर से मेरे दोस्त शैलेश हैं जो कि शायद 2 बार बहुत अच्छे मार्क्स लेके आए थे प्री स्टेज में GS में, उनके शायद 70 से भी ऊपर क्वेश्चन सही थे। बहुत मेहनती हैं और बहुत इंटेलिजेंट हैं, लेकिन CSAT के कारण वो 2 बार चूक गए मेंस लिखने से। उसके अलावा उन्होंने शायद 3 बार मेंस लिखा है, लेकिन 2 बार उनका CSAT के कारण प्री क्लियर नहीं हो पाया था। CSAT का तो सिंपल सा एक तरीका ये होगा कि आप कोई भी पास्ट ईयर क्वेश्चंस देख लें और कोई एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें, और उसके बाद फिर जो जो सेक्शंस ऐसे हैं जहाँ पे आप गलती कर रहे हैं या फिर आपसे जो क्वेश्चंस आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, आप उनको सीखें। तो ये तो CSAT की तैयारी हो गई, और इसके ऊपर अलग से हम एक सेशन ले लेंगे। और SA के लिए क्या करना है, तो जब आप प्री के लिए इतना कुछ पढ़ लेंगे, आप न्यूज़पेपर रेगुलरली पढ़ेंगे, आप ऐसे बहुत अच्छा लिख के आएंगे। ऐसे के लिए अलग से कोई तैयारी नहीं है मेरे हिसाब से। आप किसी दूसरे टीचर के पास जाएंगे तो हो सकता है वो आपको अलग स्ट्रैटेजी बताएं, लेकिन ये मेरी स्ट्रैटेजी है। मैंने ऐसे के लिए कोई तैयारी नहीं करी थी। ऐसे जिस दिन मेरा मेंस था 2014 में, तो जस्ट एक दिन पहले मैं तैयारी कर रहा था। एक दिन पहले मैंने बस ये देखा था कि मैं ऐसे को अप्रोच कैसे करूँ। कोई सर थे, उनकी वीडियो देखी कि ऐसे को अप्रोच कैसे करना चाहिए, और वही स्ट्रैटेजी मैंने इम्प्लीमेंट करी, और उसके बाद मेरे ऐसे में 250 में से 148 मार्क्स आए थे, जो कि मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं करे थे। तो ऐसे को लेके मैं एक अलग से आपके लिए सेशन ले लूँगा कि ऐसे की तैयारी कैसे हो, ऐसे को कैसे अटेम्प्ट करें। लेकिन ऐसे के लिए से अभी मैं ये कहूँगा कि आप ऐसे पे ज़्यादा टाइम ना लगाएं ऐसे की तैयारी में, आप इसकी तैयारी करें, आप इनकी तैयारी करें, आप इसकी तैयारी करें, ऐसे अपने आप आपका तैयार हो जाएगा और आप बहुत अच्छा लिख के आएंगे। ऐसे के लिए आपको अलग से कोई तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। आप जब इतना सब कुछ प्री के लिए पढ़ देंगे और फिर उसके बाद आप न्यूज़पेपर भी पढ़ेंगे रेगुलर बेसिस पे 1 साल 2 साल, तो शर्तिया तौर पे आप इतने काबिल बन जाएंगे, आप इतने सक्षम हो जाएंगे कि आप बहुत अच्छा ऐसे लिख पाएंगे
मेंस के GS 1 2 3 4 ऑप्शनल के पेपर के आंसर्स तो आप अच्छे लिख ही पाएंगे, लेकिन आप ऐसे भी बहुत अच्छा लिख पाएंगे इसके साथ साथ, अगर 2 साल तक आप ढंग से न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं और उनके नोट्स बनाते हैं और अपना जो स्टडी मटेरियल है उसको भी पढ़ें। यही सब काफ़ी रहेगा एसए के लिए। ऑप्शनल के लिए अलग से हम एक वीडियो बनाएंगे, डिस्कस करेंगे कि ऑप्शनल कौन सा होना चाहिए और किस ऑप्शनल के लिए क्या तरीका होता है तैयार करने का। जैसे भी होगा, मतलब मेरा ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस रहा है जब मैंने मेंस लिखा था, तो मैं पॉलिटिकल साइंस के बारे में आपको बता सकता हूं कि उसकी तैयारी कैसे करी जाए। तो मैं ऑप्शनल के ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें जनरली मैं ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की बात करूंगा कि कैसे चूज किए जाएं और पर्टिकुलरली पॉलिटिकल साइंस को कैसे तैयार किया जाए, ये भी मैं आपको बताऊंगा। अब बात हो रही है जीएस पेपर फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ की। तो देखिए, जो जीएस पेपर फर्स्ट है ये एक आपका स्टैटिक पेपर है। इसमें आता क्या क्या है पहले तो ये देखें, फिर सेकेंड में क्या आता है, थर्ड में क्या है और फोर्थ में क्या है। जीएस पेपर फर्स्ट है, इसमें आपके आते हैं हिस्ट्री, कल्चर, सोसाइटी, ज्योग्राफी, तो ये सारी चीज़ें आती हैं। अब जब आप हिस्ट्री को यहाँ पे ढंग से पढ़ लेंगे स्पेक्ट्रम को, तो यहीं पे आपको दोबारा स्पेक्ट्रम पढ़नी है और उससे आपका यहाँ पे हिस्ट्री का काम हो जाएगा। कल्चर के लिए भी जो आप यहाँ पे पढ़ेंगे वही आपकी यहाँ मदद कर देगा, ठीक। और एक कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया के नोट्स भी कहे जाते हैं, तो फ्री के बाद जब आपको टाइम मिल जाए तो आप मेंस के लिए पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी की किताब भी है, वो भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन फिर मैं कहूँगा कि कल्चर पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। वो एक ऐसा गैम्बल है कि आप उसे छोड़ सकते हैं, बाकी जगह पे आप ज़्यादा मेहनत कर लें तो आप फ़ायदे में रहेंगे। कल्चर में ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ कह नहीं सकता कि कल्चर में से कब कितना आ जाए या फिर कब कल्चर को दरकिनार कर दिया जाए यूपीएससी के द्वारा। फिर ज्योग्राफी के लिए आप जो ये पढ़ेंगे यहाँ पे 11th 12th के एनसीईआरटी और जीसी रियोम, ये आपका सफिशियंट रहेगा। इसी के बेसिस पे आप ज्योग्राफी के अच्छे आंसर्स लिख सकते हैं यहाँ पे जीएस पेपर 1 में। और सोसाइटी हो गया, सोशियोलॉजी, इसके लिए भी आप जब तैयारी करेंगे अपने इन सब सब्जेक्ट्स को पढ़ेंगे, आप न्यूज़पेपर को पढ़ेंगे, सोशल इश्यूज़ को पढ़ेंगे, तो आप सोसाइटी के ऊपर अच्छा सा आंसर अपने आप लिख सकते हैं, कुछ आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। तो ये बेसिकली आपका जीएस 1 जो है ना, यहाँ पे सोसाइटी आपका न्यूज़पेपर से तैयार हो जाएगा और ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर आपके स्टैटिक बुक्स से तैयार हो जाएंगे। अब सेकंड की बात करते हैं, ये मेरा फेवरेट पेपर है और अपने इस चैनल पे मैं इसी को पढ़ाता हूँ। इंटरनेशनल रिलेशंस, कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन गवर्नेंस एंड पॉलिटी और सोशल जस्टिस, ये तीन चीज़ें यहाँ पे होती हैं, आईआर, सोशल जस्टिस और इंडियन गवर्नेंस एंड पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका ये है कि एक तो आपको लक्ष्मीकांत आपने ढंग से पढ़ी है, तो लक्ष्मीकांत को जब आप ढंग से पढ़ लेंगे तो आप समझ पाएंगे कि हमारी व्यवस्था चलती कैसे है और गवर्नमेंट काम कैसे करती है, जो डेमोक्रेसी में अलग अलग पिलर्स होते हैं वो कैसे काम करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, स्टेचुटरी बॉडीज हैं, वो कैसे काम करती हैं, एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मैकेनिज्म है, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर है, ये सारी चीज़ें आप लक्ष्मीकांत में पढ़ेंगे। जब आप वहाँ पे पढ़ लेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में, डीपीएसपी के बारे में, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में, तो आपके अंदर एक मुद्दे की समझ बन जाएगी और आप किसी भी आंसर को ढंग से लिख सकते हैं। और न्यूज़पेपर की जो रीडिंग है वो तो आपकी हेल्प करेगी ही करेगी। अगर आप पॉलिटिकल साइंस को तैयार करते हैं एक ऑप्शनल के तौर पे, तो पेपर सेकंड के लिए आपको अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। मैंने भी यही किया था, पॉलिटिकल साइंस का पेपर 2 का पार्ट बी ये आईआर है, पॉलिटिकल साइंस के पेपर 1 का पार्ट बी ये आईजीपी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, सोशल जस्टिस ये भी आप न्यूज़पेपर को पढ़ेंगे उसमें हो जाएगा। जो भी नए कानून आते हैं, एक्ट्स आते हैं, उन सब के ऊपर जो डिस्कशन चलता है, उनके प्रोज एंड कॉन्स की बात चलती है, तो उस सब को आप न्यूज़पेपर में पढ़ेंगे, अपने खुद के नोट्स बनाएंगे, विचार करेंगे उसके ऊपर, तो आपकी तैयारी हो जाएगी। जीएस पेपर 3 में क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसमें आपको देखने को मिलेगा इकोनॉमी, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज, साइंस एंड टेक, डिजास्टर मैनेजमेंट एटसेट्रा, ये इसके मेजर टॉपिक्स हैं। इंटरनल सिक्योरिटी, तो आप देखिए कि बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज, ये आप जब शंकर आईएएस पढ़ेंगे यहाँ पे, तो शंकर आईएएस में सारा दे रखा होगा, कंसेप्ट आपको वहाँ से समझ आ जाएगा। इकोनॉमी के जो कंसेप्ट्स हैं, जब आप मृणाल सर के वीडियोस देखेंगे, के नोट्स पढ़ेंगे, या फिर श्रीराम आईएएस के नोट्स भी आप पढ़ेंगे, मैं किसी कोचिंग को यहाँ पे एंडोर्स नहीं कर रहा, लेकिन श्रीराम आईएएस के नोट्स मैंने भी पढ़े थे अपनी तैयारी के दौरान 2013-14 के मेंस के दौरान। आई फाउंड देम वेरी यूजफुल, कंसेप्ट बिल्डअप करने के लिए बहुत हेल्पफुल रहते हैं, खासतौर पे जो उनके स्टैटिक पार्ट है, मतलब करंट इकोनॉमी की बात नहीं कर रहा मैं, स्टैटिक इकोनॉमी की जो बात है, आप वो सारे कंसेप्ट्स वहाँ से आपके क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ से आपके कंसेप्ट बिल्डअप हो जाएंगे एनवायरनमेंट, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज के और इकोनॉमी के, अगर आप प्री की जब तैयारी करते हैं। फिर उसका जो एक, ये तो स्टैटिक पार्ट हो गया, उसका जो डायनामिक पार्ट है, जो नए नए चेंजेस आ रहे हैं, उस सब के लिए आप न्यूज़पेपर ढंग से पढ़ेंगे तो आपकी तैयारी हो जाएगी। अब यहाँ पे मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि न्यूज़पेपर के साथ साथ आपको टीवी पे कुछ प्रोग्राम्स भी देखने होंगे। पहले हमारे समय में एक लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी, दो चैनल्स थे,
वहाँ पे टॉक शोज आते थे, मैं उनको देखता था और उसके बाद अपने नोट्स तैयार करता था उनके बेसिस पे। पॉलिटिकल साइंस जो मैंने अपना ऑप्शनल लिखा तो उसमें इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर जो डिबेट डिस्कशंस आते थे मैं उनको देखता था और उससे अपने नोट्स तैयार करता था। तो आप उस तरह से अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। अब वो अमेलगमेट हो गए हैं दोनों चैनल, और एक संसद टीवी नाम से चैनल चल रहा है। जब भी आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा, किताब उठाने का मन नहीं कर रहा है, तो आप टीवी चला लें, यूट्यूब पे अपना देखें और वहाँ पे संसद टीवी को चला लें, या फिर इस तरह का कहीं पे भी कोई इस तरह के टॉक शोज आ रहे हैं। मैं संसद टीवी ही रिकमेंड करूंगा आपको, मैं समझता हूँ कि वो बेस्ट सोर्स हैं आपकी तैयारी के लिए। वहाँ पे फालतू की चीज़ें नहीं होंगी, आपके एग्जामिनेशन से रिलेवेंट जो बातें हैं वो वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। तो आप इनको इकोनॉमी हो गया और बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज, इसके जो बेसिक्स हैं वो आप प्री के दौरान तैयार कर लेंगे, प्लस इसकी जो डायनेमिक चीज़ें हैं वो आप अपना न्यूज़पेपर से तैयार करेंगे, प्लस आप जो सनसेट टीवी और इस तरह के जो भी चैनल्स हैं, सनसेट टीवी मैं रिकमेंड करूंगा कि सनसेट टीवी पे आप प्रोग्राम्स देखें और वहां से अपने नोट्स तैयार करें। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, तो वही चीज़ है, यहाँ पे भी आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए आपको एनसीईआरटी की किताब मिल जाएगी, आप वहां से डिजास्टर मैनेजमेंट तैयार कर सकते हैं, और पास्ट ईयर क्वेश्चंस देखिए कि किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं और उनको तैयार करें। इंटरनल सिक्योरिटी, अब इंटरनल सिक्योरिटी में भी आप पास्ट ईयर क्वेश्चंस पे रिलाई कर सकते हैं। पास्ट ईयर क्वेश्चंस को देखिए कि इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं अब तक, 2013 से लेके अब तक, यानी कि बीते 9-10 सालों में, और उसके बाद उसी के आधार पे आप न्यूज़पेपर से अपने नोट्स तैयार करें। और फाइनली जीएस पेपर 4th जो है, ये है आपका एथिक्स इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। एथिक्स इंटेग्रिटी एप्टीट्यूड में क्या होता है कि ये पेपर एक तरह से जैसे इंटरव्यू में चेक किया जाता है कि जो व्यक्ति आईएएस आईपीएस के पद पे आसीन होने जा रहा है, जो देश के व्यवस्था को संभालने की जिम्मेदारी अपने कंधों पे लेने जा रहा है, वह व्यक्ति उसके लिए कितना योग्य है, ये चीज़ देखने के लिए साक्षात्कार होता है। तो कुछ इसी तरह का एक मैकेनिज्म है ये जीएस पेपर 4th। यहाँ पे ये देखा जाता है कि व्यक्ति की अप्रोच क्या है, डिसीजन मेकिंग की, प्रॉब्लम सॉल्विंग की, उसका एक आउटलुक क्या है समस्याओं को लेके, तो ये उसको चेक करने के लिए है। तो एथिक्स इंटेग्रिटी एप्टीट्यूड के लिए सच कहूँ तो मैंने कोई तैयारी नहीं करी थी। अब कहते हैं कि धीरे धीरे पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट होता जा रहा है और उसके लिए कुछ स्पेशलाइज्ड बुक्स भी रिकमेंड की जाने लगी हैं मार्केट में, तो वो देख सकते हैं, देखने वाली बात है। लेकिन प्री में क्योंकि उसमें से कुछ आता नहीं है, इसलिए ये एथिक्स इंटेग्रिटी एप्टीट्यूड जो है इसको ना प्री क्लियर होने के बाद हम तैयार कर सकते हैं। एक बार प्री क्लियर हो जाए तो फिर एथिक्स पे हम ध्यान देंगे। और हमें ये सोचना होता है कि एक केस स्टडी के रूप में क्वेश्चन आते हैं कि एक सिचुएशन दे देंगे और सिचुएशन में फिर पूछेंगे कि भाई इस सिचुएशन में आप क्या करोगे, तो आपको ऑप्शंस बताने होते हैं कि मेरे पास ये सारे ऑप्शंस हैं और ये बेस्ट ऑप्शन है और मैं इस वाले ऑप्शन को अपनाऊंगा। मैंने भी जब 2014 में मेंस लिखा था तो मैंने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट था, वहाँ पे एक रिटायर्ड आईएएस सर आए थे और उन्होंने हमें बताया था कि केस स्टडी के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना है। मैंने उन्हीं की अप्रोच को अप्लाई किया था और मेरे 90 के आसपास मार्क्स आए थे। उस समय मैंने देखा था टॉपर के 110 के आसपास थे, 2013 में जो टॉपर थे उनके 110 के आसपास मार्क्स थे टॉपर के। तो मेरा टारगेट भी वही था कि 110 120 कुछ आ जाए मेरे जीएस पेपर 4th में, लेकिन मेरे फाइनली 90 मार्क्स आए थे। तो वो बिना किसी तैयारी के थे, सिर्फ जो रिटायर्ड आईएएस सर थे जिन्होंने एक सेशन लिया था, बस मैंने उस सेशन के आधार पे अपने आंसर्स लिखे थे। क्वेश्चंस कुछ इस तरह के आए थे कि आप एक ईमानदार ऑफिसर हैं और एक गैंग है, उसने आपकी इमेज को ख़राब करने के लिए एक महिला को तैयार कर लिया है इस बात के लिए कि वो आप पे झूठा नाम लगा दे कि आपने उसके ऊपर असॉल्ट किया है, तो यहाँ पे आपकी अप्रोच क्या होगी। सरकारी नौकरी में बैठे हुए किसी भी बड़े पद पे बैठे हुए अधिकारी को कभी भी ऐसी समस्या से दो चार होना पड़ सकता है, तो ऐसा क्वेश्चन आया था। अब उसका क्या मैं आंसर लिखूंगा, ये मेरी सोच है, आप क्या लिखेंगे इसका आंसर, इसके बारे में आपको सोचना होगा। तो ये प्रैक्टिकल लाइफ सिचुएशंस होती हैं, वैसे क्वेश्चंस आते हैं और उसके ऊपर आपको आंसर्स लिखने होते हैं। 2016 में मैंने अपना आईएएस का आखिरी अटेम्प्ट दिया था और सुबह मेरा आरएएस 2016 का प्री का रिजल्ट आया जिसमें मैं क्लियर हो गया था, और शाम को मेरा आईएएस 2016 का रिजल्ट आया प्री का जिसमें मेरे अटेम्प्ट्स खत्म हो गए थे और मेरा जो जर्नी था उस पर एक पूर्ण विराम लग गया था। तो मैंने बस यही माना कि भगवान की शायद यही मर्जी है। मैंने भगवान से यही कहा, ठीक है भगवान, मैं आरएएस की तैयारी करूंगा। मैंने मेंस की तैयारी करी, मेंस क्लियर हुआ, फिर मैंने इंटरव्यू दिया। तो आरएएस का जो मेरा जर्नी था उसके बारे में मैं अलग से एक सेशन लूंगा और बताऊंगा कि आरएएस का जर्नी मेरा कैसा रहा, उससे क्या आप लोगों को सीखने को मिल सकता है। लेकिन हाँ, आरएएस की बात मैंने यहाँ पे इसलिए करी क्योंकि आरएएस का पेपर जो होता है वो भी इसी तर्ज पे होता है और वहाँ पे कोई ऑप्शनल नहीं होता है। तो जैसे ये है जीएस 1 2 3 4 हो जाएंगे वहाँ पे,
तो ये होता है, फिर हिंदी इंग्लिश होते हैं और हिंदी इंग्लिश के मार्क्स वहां पे जुड़ते हैं रैंक में। तो इस तरह का कुछ है आर्यस का। अब वहां पे क्वेश्चन आया था कि कर्म योग से आप क्या समझते हैं, तो वो एथिक्स इंटेग्रिटी एप्टीट्यूड के सेक्शन में आया था। तो आप देखिए कर्म योग से आप क्या समझते हैं, इसका क्या आंसर है आपके हिसाब से। 2 मार्क्स या 4 मार्क्स का क्वेश्चन था ये। कर्म योग से मैं क्या समझता हूँ, कर्म योग से मैं ये समझता हूँ कि गीता में जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ तुम जो भी कर रहे हो उसको मेरे चरणों में समर्पित कर दो, उसके बाद जीत या हार वो तुम्हारी नहीं है, वो मेरी है, तुम्हारा सिर्फ कर्म पे अधिकार है, फल की चिंता करना छोड़ दो क्योंकि फल मेरे हाथ में है, श्रेय मेरे हाथ में है कि मैं किसे दूंगा, तुम सिर्फ अपना कर्म करो, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पे है। कर्मयोगी वही व्यक्ति होता है जो इस भावना से कर्म करता है कि उसका सिर्फ कर्म पे अधिकार है और वह जो भी कर्म करे वो भगवान को साक्षी मान के करे और उसको श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दे, उसके बाद जो भी उस कर्म का फल होगा वो भगवान के हाथों में है कि वो किसको देंगे। और वैसे भी जीवन में कुछ निश्चित नहीं होता है, हम सिर्फ प्रयास कर सकते हैं, होना क्या है ये भविष्य के गर्भ में है और ये भगवान के हाथ में है, लेकिन मिलता उसी को है जो कर्म करता है। तो यहाँ पे बात यह है कि हम जो ये तैयारी कर रहे हैं ये, इसमें ज्यादातर लोग जो है उनका सिलेक्शन होता नहीं है, लेकिन ये हमें एक अच्छा इंसान जरूर बना देती है। जीवन को देखने का हमारा जो नजरिया होता है, ये तैयारी उस नजरिए को बदल देती है, उसको परिवर्तित कर देती है सकारात्मक रूप से, ये हमें क्राउड से अलग खड़ा कर देती है, हमें एक सुलझा हुआ इंसान बना देती है। तो खैर वापस आते हैं, तो ये हो गया कि हमें इनकी तैयारी कैसे करनी है। तो एथिक्स इंटेग्रिटी एप्टीट्यूड हो गया। अब यहाँ भी हम लाइव एग्जांपल्स भी देख सकते हैं, जैसे हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं कहीं कोई घटना हो जाती है, मोरबी की घटना जैसे हम लें अगर, गुजरात में जो मोरबी पुल हादसा हुआ था, तो मान लीजिए वहाँ ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ये हुआ है और आप वहाँ पे खड़े हैं, आप अपना पेपर देने जा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, मतलब आपके सामने ऐसा पुल टूट गया है, आप पेपर देने जा रहे हैं, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी। अब आप खुद सोचें आपके पास क्या क्या विकल्प हैं, अब वहाँ पे वो विकल्प बताएंगे और रैंकिंग करेंगे आप उनकी, कि जो ये फोर्थ नंबर का ऑप्शन है, ये आपके पास थर्ड ऑप्शन है, ये सेकंड ऑप्शन है और ये फर्स्ट ऑप्शन है, फिर फोर्थ ऑप्शन को आप बताएंगे कि इसमें मैं ये कर सकता हूँ लेकिन मैं ये इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि इसमें ये कमी है, फिर थर्ड ऑप्शन बताएंगे, फिर सेकंड ऑप्शन बताएंगे और फिर बेस्ट ऑप्शन को फाइनली बताएंगे कि ये सबसे बेहतर ऑप्शन है इसलिए मैं इस ऑप्शन को अपनाऊंगा। तो इस तरह से केस स्टडी के क्वेश्चन आते हैं एथिक्स इंटेग्रिटी एप्टीट्यूड में आईएएस में, और आप ऐसे ही उन्हें अटेम्प्ट करेंगे। हम आगे चल के कभी इसके ऊपर सेशन ले लेंगे कि एथिक्स इंटेग्रिटी एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे किया जाए, लेकिन सिर्फ एथिक्स इंटेग्रिटी एप्टीट्यूड से ही आप आईएएस नहीं बनेंगे। एथिक्स इंटेग्रिटी एप्टीट्यूड बात करती है इंटेग्रिटी, इम्पार्शियलिटी, टॉलरेंस, कंपैशन, नॉन पार्टिसनशिप, इन सारे वर्च्यूज की, इन सारे गुणों की, जो कि एक आईएएस अधिकारी में, आईपीएस अधिकारी में, एक उच्च पद पे बैठे हुए अधिकारी के अंदर होने चाहिए, ताकि वो सामाजिक न्याय का जो सिद्धांत है हमारे संविधान में, हमारे समाज में, उसको अपहोल्ड कर सके, उसको बरकरार रख सके। तो उन सबको चेक करने के लिए ही एथिक्स इंटेग्रिटी एप्टीट्यूड का पेपर होता है। तो साथियों अब तक हमने बात कर ली कि प्री की तैयारी कैसे करें और मेंस की तैयारी कैसे करें, अब बात होती है इंटरव्यू की। इंटरव्यू के लिए जैसे मैंने आपको पहले बताया, एससी के लिए कोई अलग से तैयारी नहीं होती है, वैसे इंटरव्यू के लिए भी कोई अलग से तैयारी नहीं होती है। मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको मॉक इंटरव्यूज़ नहीं अटेंड करने चाहिए, अब मॉक इंटरव्यूज़ आप करेंगे तो आपको बहुत सी बातें सीखने को मिलेंगी, मैनरिज्म सीखने को मिलेंगे, लेकिन जो आपकी असलियत है क्या उसको कोई परिवर्तित कर सकता है, क्या उसको कोई बदल सकता है, या आप क्या रातों रात महीने भर में उसको बदल सकते हैं, नहीं। आपकी जो सोच है, आप जो हैं, वो आप रहेंगे हमेशा, क्योंकि आप 21 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में आप जब इंटरव्यू देने जाते हैं, तो वो जो आपके जीवन के बचपन से लेकर आज तक के अनुभव हैं, जिस तरह के लिटरेचर को आपने पढ़ा है, जिस तरह की संगति में आप रहे हैं, जिस तरह के परिवार से आप आए हैं, तो वो सब निर्माण करता है आपके व्यक्तित्व का, वो सब निर्माण करता है आपके विचारधारा का, आपके विचारों का, और उसी के आधार पे आप जीवन के प्रति आपका जो रुख होता है वो तय होता है, तो उसको आप बदल नहीं सकते हैं। और ये बात वहाँ पे मंझे हुए लोग बैठे होते हैं, तो वो अच्छी तरह से समझते हैं कि आप अंदर से क्या हैं और क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आप मॉक इंटरव्यू में सीख के आए हैं। तो ठीक है, मॉक इंटरव्यू अटेंड कर सकते हैं, वी शुड नॉट टेक चांस। मेंस क्लियर होने के बाद आप मॉक इंटरव्यू भी अटेंड कर सकते हैं, वो एक अलग विषय है, लेकिन इसकी कोई अलग से तैयारी नहीं होती है। आप जिस दिन प्री की तैयारी स्टार्ट करते हैं, उसी दिन से आपको इंटरव्यू की तैयारी भी आपकी शुरू हो जाती है, उसी दिन से मेंस की तैयारी भी आपकी शुरू हो जाती है। यहाँ पे हमारा काम है प्री और मेंस की तैयारी को बहुत अच्छे से करना, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हमें इंटरव्यू भी फेस करना है। यहाँ मैंने आपको रिलेशनशिप भी दिखाया कि जब आप जीएस थर्ड में इकोनॉमी देखेंगे, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज देखेंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी देखेंगे, तो इन चीज़ों को आप ऑलरेडी प्री में तैयार कर रहे हैं, तो वो चीज़ें यहाँ पे भी काम आएंगी।
जो भी चीज़ आप प्री में पढ़ेंगे इकोनॉमी के लिए, मृणाल सर के नोट्स मैंने आपको बता दिए, श्रीराम आईएएस के नोट्स बता दिए, इन दोनों में से एक, और उसके बाद फिर इकोनॉमिक सर्वे मैंने आपको बताया, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट 11th की एनसीईआरटी बताई, आप उस सबको पढ़ेंगे तो वही चीज़ यहाँ पे इकोनॉमी में आपके काम आएगी और उसी से आप आंसर लिख देंगे। साथ में बस एक ही चीज़ करनी है आपको, न्यूज़पेपर और पढ़ना है और टीवी पे जो टॉक शोज आते हैं, यूट्यूब पे अच्छी कोई वीडियो दिख जाए उसे आप देखें और अपने नोट्स तैयार कर लें। ऐसा ही बायोडाइवर्सिटी एनवायरनमेंट क्लाइमेट चेंज में है कि आप शंकर आईएएस के नोट्स से अपने बेसिक्स तैयार कर लेंगे और न्यूज़पेपर से और टीवी के और टीवी और यूट्यूब से फर्दर उसको डायनेमिक पार्ट को ऐड कर लेंगे अपने नोट्स में। उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी यही है कि न्यूज़पेपर प्लस टीवी एंड यूट्यूब, ये सारा आपका यहाँ पे न्यूज़पेपर प्लस टीवी, टीवी टॉक शोज, यूट्यूब, ये सारी चीज़ें आपकी हेल्प करेंगी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सारे दिन आप यूट्यूब पे ही बैठे रहें, सारे दिन टीवी पे ही बैठे रहें, आपको एक शेड्यूल बनाना होगा, 12 से 14 घंटे रोज पढ़ना है आपको, और उसमें ये है कि भी 2 घंटे न्यूज़पेपर को दे दिए, 1-2 घंटे टीवी और यूट्यूब को दे दिए, और उसके बाद 8 घंटे आप पढ़ाई कर रहे हैं। देखिए 8+4 12 घंटे हो गए, फिर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी है आपको, तो ये भी है कि मेंस क्लियर कैसे करें, इसको भी हम बाद में कभी लेंगे, आने वाले समय में किसी सेशन में लेंगे। अब बात होती है इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू में यही है कि जब आप इतना कुछ पढ़ लेंगे प्री के लिए, मेंस के लिए, तो आपका जो 11th 12th तक आपने बहुत अच्छी पढ़ाई करी होगी, उसके बाद फिर कॉलेज में करी होगी, फिर उसके बाद जब प्री और मेंस के लिए इतना कुछ पढ़ लेंगे तो आपका ज्ञान इतना समृद्ध हो जाएगा कि आप इंटरव्यू पैनल को बहुत अच्छे तरह से फेस कर पाएंगे। तो एक जो आत्मविश्वास होता है वो आपको शुरू से ही बनाए रखना है, इंटरव्यू में आप अच्छी तरह से अपना पक्ष रख सकें, अपने आप को प्रस्तुत कर सकें। तो ये बात होगी प्री, मेंस और इंटरव्यू की। अब यहाँ पे मैं कट ऑफ की बात नहीं करूँगा, क्योंकि कट ऑफ एक अलग चीज़ है, हम सिर्फ कर्म की बात करेंगे, हम सिर्फ ये देखेंगे कि हम अपने आप अपने काम को कितने अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो साथियों, ये जो आज मैंने सेशन लिया है कि आईएएस की तैयारी एक नया बच्चा शुरू कैसे करे, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए उपयोगी रहा होगा, तो आप लोग इसे इस पर अमल कर सकते हैं। और मैं यहाँ पर कुछ जो मुख्य बातें हैं जो मैंने अपने इस डिस्कशन के दौरान आपके सामने रखी, मैं उनको दोबारा से एक बार रिपीट करना चाहूँगा कि कोचिंग, एक्सपेंसिव कोचिंग की कोई ज़रूरत नहीं, 2-2 लाख रुपए देके जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में बच्चे जाते हैं, अगर सोचें कि भाई उसी से आईएएस आईपीएस बन जाएंगे, वो कोई ज़रूरी नहीं है। तो एक्सपेंसिव कोचिंग में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे तो आप शर्तिया अपना प्री भी क्लियर करेंगे, मेंस में भी बहुत अच्छा लिख के आएंगे और इंटरव्यू स्टेज को फेस करेंगे। अगर आप अपनी लगन के साथ, आत्मविश्वास के साथ करते रहेंगे, और भगवान की कृपा तो चाहिए ही हर काम में, तो भगवान में विश्वास रखें और मेहनत करें और इन सब चीज़ों को ध्यान रखें जो भी मैंने वीडियो में बताई है। अगर कोचिंग में नहीं जाएंगे तो क्या करेंगे आप, YouTube क्लासेस, YouTube को देख सकते हैं, ठीक है, आप YouTube वीडियोस देख सकते हैं। मेरा जो चैनल है, यहाँ मेरा ही नहीं और भी जितने चैनल्स हैं, आप उन सब चैनल्स पे जाएं और वहाँ पे फ्री में आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे जो कि आप समझ सकते हैं, तो वहाँ से आप समझें, प्लस उन्हें वेरीफाई करने के लिए बुक्स को भी फिर रेफर करें। आप वीडियो को देखेंगे, मेरे चैनल की वीडियोस देखें आप, या फिर कहीं और कोई अच्छे चैनल्स हैं जितने भी, वहाँ पे आप खुद समझदार हैं, आप पता लगा लेंगे, तो वहाँ पे आप वीडियोस को देखें, और वीडियोस को देखने के बाद आपको एक मुद्दे की समझ बन जाएगी, आप टॉपिक को समझ जाएंगे, फिर उसको वेरीफाई करने के लिए जो प्रमाणिक पुस्तकें हैं, जो बुक्स हैं रिकमेंडेड, आप उन बुक्स को पढ़ें तो आपकी तैयारी, ये बुक्स मैंने यहाँ पे बताई दी हैं आपको, तो आप वीडियोस देखें पहले, बुक्स को पढ़ें, खुद के नोट्स बनाएं, उसी के बेसिस पे आप आईएएस आईपीएस बन जाएंगे। तो कोई कोचिंग में जाने की जरूरत नहीं है, एक्सपेंसिव कोचिंग में जाने की जरूरत, 5-5 लाख रुपए आप वहाँ साल के रहने के लगाएं, 2-2 लाख रुपए आप कोचिंग के लगाएं, तो 6-7 लाख रुपए दे के तो ऐसे गरीब का बच्चा तो फिर आईएएस की तैयारी कर ही नहीं सकता। तो जिसके पास पैसे नहीं है वो मेरे वाली स्ट्रेटेजी को अपना सकता है। हाँ ठीक है, कोचिंग से एक डिसिप्लिन मिल जाता है, डायरेक्शन मिलता है, लेकिन फिर भी आप यूट्यूब वीडियोस को देखें, न्यूज़पेपर को पढ़ें, टीवी को देखें, टीवी पे जैसे मैंने आपको बताया संसद टीवी, उसके बाद आप मंथली मैगजीन को भी रेफर कर सकते हैं, लेकिन खुद ही न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, तो मंथली मैगजीन की भी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप मंथली मैगजीन देख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं किसी मंथली मैगजीन का नाम लूंगा नहीं, आप खुद देखिए कि कौन सी मैगजीन आपके लिए ठीक रहेगी। उसके बाद आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए भी अलग से हम देखेंगे कि उसके लिए क्या किया जाए। तो ये चीज़ हो गई। तो साथियों, मैं समझता हूँ कि आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ये सारे मैंने नोट कर लिए हैं कि आगे हमें कौन से टॉपिक्स हैं जो लेने हैं। सीसेट के लिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आप सिर्फ पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करें, 2011 से जो सीसेट शुरू हुआ है वो पूरे 11-12 साल के सीसेट के पेपर सारे सॉल्व कर डालें, फिर उसके बाद मॉक टेस्ट जो होते हैं उनको दें, और जो टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा है उस टॉपिक को आप तैयार कर लें। तो ये तो सीसेट की तैयारी है इतनी सी। एसए के लिए भी मैं आपको बता चुका हूँ कि क्या तैयारी है, अलग से एक सेशन ले ही लूँगा मैं। तो ये पूरी एक कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रैटेजी है
टू क्लियर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह पसंद आया होगा। ये सेशन आपको कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य साझा करें, और अपने दोस्तों से और अपने परिवार के और सदस्य हैं या फिर अगर आप एक स्टूडेंट नहीं हैं और फिर भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपके परिवार में जो बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं इन एग्जामिनेशंस की, तो आप उन्हें भी ये वीडियो फॉरवर्ड करें, उन्हें सजेस्ट करें, रिकमेंड करें इस वीडियो को, ताकि इस वीडियो को बढ़ावा मिले और मेरे हौसले को भी बढ़ावा मिले और इस तरह का कंटेंट मैं आगे भी लाता रहूँ। धन्यवाद।